नमस्कार, गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुट्टी की पोटली। आज मैं आपके लिए एक रंग का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन दिखने में बहुत सुंदर है, बनाने में बहुत आसान है। ये डिज़ाइन केवल 10 फंदों का डिज़ाइन है और 20 सिलाई में जाकर ये डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए बॉर्डर बनाने के बाद आपको एक सिलाई सीधी या उल्टी नहीं डालनी है। जितने भी फंदे आपको ऊपर से रखने हैं उतने ही फंदे आप बॉर्डर में डालकर बनाइए। और ये डिज़ाइन 10 फंदों में है। 10 इस डिज़ाइन में केवल दो चीज़ें हैं। एक बार हमारा डिज़ाइन राइट साइड को जाता है और एक बार हमारा डिज़ाइन लेफ्ट साइड को जाता है। हर बार यहाँ से बनाते समय एक एक करके फंदा बढ़ेगा और फिर एक एक करके फंदा हमारा बंद हो जाएगा। 5 बार फंदा बढ़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5। और अपने आप जब हम 21वीं सिलाई बनाएंगे तो बिल्कुल रो नंबर 1 की तरह बनेगी। बढ़े हुए फंदे अपने आप बंद हो जाएंगे और ये जो साइड में हमारा डिज़ाइन बनेगा, चाहे सीधी साइड बने चाहे हम लेफ़्ट साइड बनाएं, इस साइड बनाएं, ये डिज़ाइन हमारा लेफ़्ट साइड की ओर जाता हुआ डिज़ाइन होगा। ये डिज़ाइन हमारा राइट साइड को नहीं जाएगा। लेफ़्ट साइड में जाने वाली डिब्बी आधी आधी आएगी और राइट साइड की ओर जाने वाली डिब्बी हमेशा पूरी बनकर आएगी। कहीं भी ये डिब्बी आपको आधी नहीं नज़र आएगी। अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 30 फंदे डाले हैं। और 2 फंदे मैंने किनारे के डाले हैं। डिज़ाइन कैसे बनाएंगे? एक फंदा किनारे का, चाहे आप बनाकर बनाएं या बिना बुने उतार लें, जैसे आपकी पसंद। यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होता है। पहले 10 फंदे कैसे बनेंगे? पहले 2 फंदों को हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। इसके बाद एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे। राइट साइड जाने वाला डिज़ाइन हमेशा ऐसे ही बनेगा। 2 फंदों को पहले हम इकट्ठा बनाएंगे, सिलाई से उतारेंगे नहीं, और पहले फंदे को हम फिर से एक फंदा सीधा बना लेंगे। फिर से 2 फंदों को पहले हम इकट्ठा बनाएंगे और फिर एक फंदे को हम सीधा बना लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपने डिज़ाइन के 10 फंदे कंप्लीट करेंगे। पहली बार हमारे 10 फंदों का डिज़ाइन राइट साइड की तरफ जाएगा। 10 फंदे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम इसी डिज़ाइन को पूरी सिलाई में रिपीट करेंगे। तो पहले मैं ये सारी सिलाई बना लूँ, फिर हम इसके ऊपर रॉन्ग साइड बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमने अपनी रो नंबर 1 कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड से अपनी रो नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से चाहे हमारी रो नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 जो भी होगी, 20, सारी की सारी सिंपल उल्टी उल्टी बनेगी। तो हमारा डिज़ाइन आधा हो जाता है। सिर्फ 10 सिलाई पर ही हमको अपना डिज़ाइन डालना है। तो पहले मैं रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 कंप्लीट कर लूँ, फिर हम इसके ऊपर
राइट साइड से रो नंबर 3 बनाएंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद अब हम राइट साइड से रो नंबर 3 बनाएंगे। रो नंबर 3 में हमारा राइट साइड जाने वाला डिज़ाइन 4 बार बनेगा और लेफ्ट साइड जाने वाला डिज़ाइन 1 बार बनेगा। एक बार डिज़ाइन बनेगा और हम शुरू में और आखिर में एक एक फंदा छोड़कर बनाएंगे। एक फंदा छोड़ दिया, हमारा डिज़ाइन यहाँ से शुरू होगा और गिनकर 10 फंदों पे डिज़ाइन चलेगा। 4 बार हमको डिज़ाइन सीधी ओर बनाना है। एक बनाने का तरीका हमेशा सेम रहेगा, एक दो तीन चार, चार बार राइट साइड मैंने डिज़ाइन बना लिया है, 1 2 3 4। अब एक बार डिज़ाइन हम लेफ्ट साइड बनाएंगे। लेफ्ट साइड डिज़ाइन बनाने के लिए पहले हम 2 फंदे ऐसे पलट लेंगे, एक फंदा पहले मैं पीछे से बनाऊंगी, सीधा ही बनाना है और 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। लेफ्ट साइड जब भी हम डिज़ाइन बनाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। 10 फंदों पे डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम डिज़ाइन रिपीट करेंगे, 4 बार डिज़ाइन सीधी ओर बनाएंगे और 1 बार डिज़ाइन हम लेफ्ट साइड बनाएंगे। एक दो तीन चार, एक बार डिज़ाइन हमको लेफ्ट साइड बनाना है। पहले फंदे पलट लेंगे, फिर दूसरे फंदे को हम पीछे से सीधा ही बनाएंगे। और अब इन दोनों फंदों को हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। 2 बार हमने डिज़ाइन बना लिया। इसके बाद फिर अब हम डिज़ाइन रिपीट करेंगे, 4 बार डिज़ाइन हम सीधी साइड बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 बार डिज़ाइन बनाने के बाद हमारे पास 2 फंदे होने चाहिए लेफ्ट साइड जाने के लिए। यहाँ पे 8 फंदे हमने बना लिए, 8 फंदों का डिज़ाइन बना लिया, 4 बार सीधी और डिज़ाइन बना लिया, 2 फंदे ये एक आगे और एक पीछे, एक इस तरफ एक इस तरफ, 10 फंदे ये भी कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 सारी की सारी हमको उल्टी उल्टी बनानी है। तो पहले मैं ये बना लूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। रॉन्ग साइड से मैंने रो नंबर 4 कंप्लीट कर ली है। अब हम रो नंबर 5 बनाएंगे। रो नंबर 5 में हमारा सीधी साइड जाने वाला डिज़ाइन 3 बार बनेगा, 1 2 3, और लेफ्ट साइड जाने वाला डिज़ाइन 2 बार बनेगा। लेफ्ट साइड जाने वाला डिज़ाइन 2 बार बनेगा, इसलिए हमारे आगे के और पीछे के दोनों साइड के 2-2 फंदे आएंगे। अगर लेफ्ट साइड 1 बार जाता है तो एक एक फंदा आएगा, अगर 2 बार जाएगा तो आगे और पीछे के 2-2 फंदे छोड़कर हम अपने डिज़ाइन को बनाएंगे। ये 2 फंदे हैं, ये 2 फंदे हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे।
अगर एक फंदा होता है तो डिज़ाइन नहीं बनेगा, जब दो फंदे हो जाएंगे तो लेफ्ट साइड में बनने वाला डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। इसके बाद अब हमारा 10 फंदों का डिज़ाइन शुरू होगा, जिसमें 3 बार हम राइट साइड डिज़ाइन बनाएंगे, 1, 2, 3 तीन बार राइट साइड बनाने के बाद अब हमको लेफ्ट साइड 2 बार डिज़ाइन बनाना है। पहले दोनों फंदे उतार लेंगे, फिर पहले एक फंदा हम पीछे से बनाएंगे। एक, दो बार डिज़ाइन बनाने के बाद हमारे 10 फंदे कंप्लीट हो गए। अब हम डिज़ाइन रिपीट करेंगे, 3 बार डिज़ाइन सीधी साइड बनाएंगे और 2 बार डिज़ाइन लेफ्ट साइड बनाएंगे, 1, 2, 3 तीन बार राइट साइड डिज़ाइन बनाने के बाद 2 बार डिज़ाइन लेफ्ट साइड बनाना है। लेफ्ट साइड बनाने का तरीका, राइट साइड बनाने का तरीका हमेशा एक जैसा रहेगा। एक, अब दूसरी बार बनाएंगे, 2 बार डिज़ाइन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम तीसरी बार डिज़ाइन में पहले 3 बार राइट साइड डिज़ाइन बनाएंगे, 1, 2, 3 तीन बार राइट साइड डिज़ाइन बनाने के बाद हमको 2 बार डिज़ाइन लेफ्ट साइड बनाना है। इस ओर भी 2 फंदे हैं, इस ओर भी 2 फंदे हैं, इधर का डिज़ाइन भी हमने लेफ्ट साइड बनाया, इस साइड का डिज़ाइन भी हम लेफ्ट साइड बनाएंगे, तो हमारा 10 फंदों का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अब हम रो नंबर 6 रॉन्ग साइड से सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो पहले मैं रो नंबर 6 कंप्लीट कर लूँ, फिर हम इसके ऊपर राइट साइड से रो नंबर 7 बनाएंगे। तो पहले मैं रो नंबर 6 कंप्लीट कर लेती हूँ। रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 कंप्लीट करने के बाद अब हम राइट साइड से रो नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। रो नंबर 7 में राइट साइड जाने वाला डिज़ाइन 2 बार बनेगा, 1, 2 और लेफ्ट साइड जाने वाला डिज़ाइन 3 बार बनेगा। जब 3 बार बनेगा तो हमारे आगे के और पीछे के फंदे 3-3 आएंगे। अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। 3 फंदे हैं तो पहला फंदा हम ऐसे ही बना लेंगे, दूसरे फंदे को हम, दूसरे और तीसरे फंदे को हम लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जाएंगे। साइड के जो हमारे फंदे हैं ये हमेशा लेफ्ट साइड बनेंगे। लेफ्ट साइड बनाने का तरीका सेम है। इसके बाद अब हमारा 10 फंदों का डिज़ाइन स्टार्ट होता है। 2 बार डिज़ाइन राइट साइड, 1, 2, 3 बार डिज़ाइन लेफ्ट साइड,
लेफ्ट साइड जाने का तरीका सेम है। एक दो तीन, यहाँ पर हमारा 10 फंदों का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसी डिज़ाइन को हम रिपीट करेंगे दो बार डिज़ाइन राइट साइड, एक दो तीन बार डिज़ाइन हमको लेफ्ट साइड लेकर जाना है, एक दो लेफ्ट साइड राइट साइड बनाने का तरीका हमेशा ही एक जैसा रहेगा। और ये तीन, तीन बार हमने लेफ्ट साइड जाने का डिज़ाइन भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद फिर से हम डिज़ाइन रिपीट करेंगे दो बार राइट साइड, एक दो और यहां से एक बार पहले लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे, और एक डिजाइन एक फंदा हमारा सीधा। तीन फंदे इस साइड है, तीन फंदे इस साइड है। डिज़ाइन यहाँ पर ख़त्म करने के बाद, 10 फंदे कंप्लीट करने के बाद, दो चार छः सात और तीन फंदे इधर के 10, बिल्कुल डिज़ाइन हमारा बराबर बनेगा अगर हम ध्यान से गिनकर बनाएंगे तो। इसके ऊपर अब हम रो नंबर 8 रॉन्ग साइड से सारी की सारी उल्टी बनाएंगे। तो पहले मैं रो नंबर 8 बना लूं, फिर हम इसके ऊपर सीधी साइड से रो नंबर 9 बनाएंगे। रॉन्ग साइड से हमने अपनी रो नंबर 8 बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। अब हम राइट साइड से रो नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। रो नंबर 9 में राइट साइड जाने वाला डिज़ाइन केवल एक है और लेफ्ट साइड जाने वाला डिज़ाइन 4 बार बनेगा। जब 4 बार डिज़ाइन बनेगा तो 4 फंदे हमारे आगे के और 4 फंदे हमारे पीछे के छोड़ने के बाद हमारा डिज़ाइन बनना शुरू होगा। 4 फंदे छोड़ेंगे फिर हमारे 10 फंदों का डिज़ाइन शुरू होगा और आगे वाले फंदे हमेशा लेफ्ट साइड जाएंगे। जब हमारे पास यहाँ पर 4 फंदे हैं तो हमारा दो दो का डिज़ाइन 2 बार बन जाएगा। इसको हमको लेफ्ट साइड लेकर जाना है। एक ये दूसरी बार लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, राइट साइड डिज़ाइन हमको एक बार लेकर जाना है। यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा 10 फंदों का। राइट साइड एक बार, लेफ्ट साइड 4 बार, एक
तो तीन और ये चार, चार बार हमने लेफ्ट साइड डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया। हमारे 10 फंदे कंप्लीट हो गए। इसके बाद अब हम फिर से डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। एक बार हमने डिज़ाइन बना लिया, अब हम इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। एक बार डिज़ाइन राइट साइड और चार बार डिज़ाइन हमारा लेफ्ट साइड। एक, दो, तीन ये चार, चार बार हमने अपना डिज़ाइन लेफ्ट साइड में कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हम फिर से डिज़ाइन रिपीट करेंगे। एक बार राइट साइड और चार बार हमारा डिज़ाइन लेफ्ट साइड जाएगा। ये राइट साइड बना लिया, चार फंदे इधर, चार फंदे इधर, इधर दो बार साइड लेफ्ट साइड गया है, इस साइड भी दो बार लेफ्ट साइड जाएगा, तो चार बार हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। फंदे बिल्कुल बराबर चलेंगे, एक भी फंदा हमारा कम या ज़्यादा नहीं होगा। दो बार लेफ्ट साइड हो गया, इसके ऊपर अब हम रॉन्ग साइड से अपनी रो नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल उल्टा उल्टा बनाते हुए पहले मैं रो नंबर 10 रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर लूं, फिर हम राइट साइड से रो नंबर 11 बनाएंगे। अब हम राइट साइड से रो नंबर 11 बनाएंगे। रो नंबर 11 में हमारे सारा डिज़ाइन 5 का 5 डिज़ाइन लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। 5 बार डिज़ाइन लेफ्ट साइड जाएगा, इसलिए 5 फंदे छोड़कर हम अपने डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे, रिपीट करेंगे। जब हमारे पास यहाँ पर 5 फंदे शुरुआत में हैं, तो 1 फंदा हम छोड़कर अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। ये 1 फंदा छोड़कर अब हम लेफ्ट साइड अपना डिज़ाइन लेकर जाएंगे। एक, दो, ये 5 फंदे हमारे किनारे के थे। हमारा डिज़ाइन यहाँ से शुरू होता है। पहले हम 5 बार लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे। एक, दो,
3। चार, और ये पांच। पांच बार डिज़ाइन बनाने पर हमने एक बार डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब हम फिर से सारा डिज़ाइन लेफ़्ट साइड की तरफ बनाएंगे। तो पहले मैं ये सारा डिज़ाइन बना लूँ, फिर हम इसके ऊपर अपनी रो नंबर 12 रॉन्ग साइड से बनाएंगे। तो पहले मैं ये रो नंबर 11 कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया। इस ओर भी मेरे पास पांच फंदे हैं, इस ओर भी पांच फंदे थे। पहले चार फंदों पे मैं लेफ़्ट की तरफ डिज़ाइन बनाऊंगी और एक फंदा हमारा हमेशा की तरह सिंपल सादा बना लेंगे। रो नंबर एक में हमारा सारा डिज़ाइन राइट साइड को गया था और रो नंबर 11 में सारा डिज़ाइन हमारा लेफ़्ट की तरफ गया है। इसके ऊपर अब हम रो नंबर 12 रॉन्ग साइड से बनाएंगे। तो पहले मैं रो नंबर 12 बना लूँ, फिर हम इसके ऊपर रो नंबर 13 बनाएंगे। रॉन्ग साइड से हमने अपनी रो नंबर 12 बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। अब हम राइट साइड से रो नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। रो नंबर 13 में राइट साइड जाने वाला डिज़ाइन एक बार बनेगा और रॉन्ग साइड जाने वाला डिज़ाइन चार बार बनेगा। रॉन्ग साइड लेफ्ट साइड जाने वाला डिज़ाइन चार बार बनेगा, इसलिए हम शुरू के चार फंदे छोड़ने के बाद अपने डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे, आगे से भी और पीछे से भी। और ये वाला डिज़ाइन हमारा लेफ्ट साइड जाएगा, चार फंदे हैं, चार फंदों पे डिज़ाइन लेफ्ट साइड जाएगा। दो लेफ्ट साइड जाने वाले डिज़ाइन का तरीका एक जैसा ही है, एक दो। यहाँ पर हमारे चार फंदे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा, राइट साइड डिज़ाइन एक बार, लेफ्ट साइड डिज़ाइन चार बार। एक, अब हम लेफ्ट साइड बना रहे हैं, लेफ्ट साइड डिज़ाइन चार बार। एक, दो, तीन, चार। चार बार डिज़ाइन लेफ़्ट साइड बनाने के बाद हमारा 10 फंदों का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर हम डिज़ाइन को रिपीट करेंगे, एक बार डिज़ाइन राइट साइड और चार बार डिज़ाइन हमारा लेफ़्ट साइड। एक, दो, तीन, चार।
ये चार चार बार लेफ्ट साइड डिज़ाइन कंप्लीट बनाने के बाद हमारा 10 फंदों का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर अब हम डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। एक बार डिज़ाइन राइट साइड, चार बार डिज़ाइन हमको लेफ्ट साइड बनाना है, दो बार इस साइड है और दो बार डिज़ाइन हमारा इस साइड है। हमारा डिज़ाइन बिल्कुल बराबर आ रहा है। इसके बाद हम अपनी रो नंबर 14 रॉन्ग साइड से बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी रॉन्ग साइड से रो नंबर 14 कंप्लीट करेंगे। फिर इसके ऊपर राइट साइड से रो नंबर 15 बनाएंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 14 कंप्लीट करने के बाद अब हम राइट साइड से रो नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। रो नंबर 15 में राइट साइड जाने वाला डिज़ाइन दो बार बनेगा और लेफ्ट साइड जाने वाला डिज़ाइन तीन बार बनेगा। जब हमारा डिज़ाइन लेफ्ट साइड जाने वाला डिज़ाइन तीन बार बनेगा तो आगे के और पीछे के फंदे भी हमारे तीन तीन आएंगे। तीन फंदे छोड़कर हमारा डिज़ाइन बनना शुरू होगा। तीन फंदों में एक फंदा हम बना लेंगे और दो फंदों पे लेफ्ट साइड का डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। इसके बाद हमारा डिज़ाइन बनना शुरू होगा। दो बार डिज़ाइन राइट साइड, एक दो। तीन बार डिज़ाइन लेफ्ट साइड, एक दो। एक बार डिज़ाइन बना लिया राइट साइड का, लेफ्ट साइड का। एक बार लेफ्ट साइड डिज़ाइन बना लिया, दो बार डिज़ाइन और बनाएंगे। दो तीन, तीन बार डिज़ाइन हमने लेफ्ट साइड बना लिया। एक बार डिज़ाइन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर फिर से डिज़ाइन रिपीट करेंगे। दो बार डिज़ाइन राइट साइड और तीन बार डिज़ाइन लेफ्ट साइड। दो बार राइट साइड, एक दो। तीन बार डिज़ाइन लेफ्ट साइड, एक दो।
तीन बार डिज़ाइन हमने लेफ़्ट साइड बनाने के बाद एक बार डिज़ाइन फिर से कंप्लीट कर लिया, इसके ऊपर फिर से डिज़ाइन रिपीट करेंगे, दो बार डिज़ाइन राइट साइड और तीन बार डिज़ाइन लेफ़्ट साइड। एक, दो, तीन बार डिज़ाइन लेफ़्ट साइड, एक एक इधर का दो और एक एक फंदा, ये तीन। हमारा डिज़ाइन बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर अब हम राइट साइड से रो नंबर 16 कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल उल्टी उल्टी बनाते हुए रो नंबर 16 बना लें, फिर हम इसके ऊपर राइट साइड से रो नंबर 17 बनाएंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 16 कंप्लीट करने के बाद अब हम राइट साइड से रो नंबर 17 बनाएंगे। रो नंबर 17 में हमारा राइट साइड जाने वाला डिज़ाइन तीन बार बनेगा और लेफ़्ट साइड जाने वाला डिज़ाइन दो बार बनेगा। जब लेफ़्ट साइड जाने वाला डिज़ाइन दो बार बनेगा तो आगे के और पीछे के फंदे भी हमारे दो दो बनेंगे। दो फंदे बनाने के बाद हमारा डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा। दो फंदों को हम लेफ़्ट साइड लेकर जाएंगे। हमारा डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से हमको पहले तीन बार डिज़ाइन राइट साइड लेकर जाना है। एक, दो, तीन, तीन बार राइट साइड डिज़ाइन बना लिया। अब लेफ्ट साइड डिज़ाइन दो बार बनेगा। एक बार लेफ्ट साइड का डिज़ाइन बना लिया, दो बार लेफ्ट साइड का डिज़ाइन बना लिया। एक बार हमारा 10 फंदों का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर अब हम अपने डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। तीन बार डिज़ाइन राइट साइड, एक, दो, तीन, दो बार डिज़ाइन हमको लेफ्ट साइड का बनाना है। एक, दो बार डिज़ाइन लेफ़्ट साइड बनाने के बाद फिर से हम अपने डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। पहले तीन बार डिज़ाइन राइट साइड लेकर जाएंगे। एक, दो, तीन, तीन बार का डिज़ाइन हमने राइट साइड में ले लिया। लेफ़्ट साइड का डिज़ाइन दो बार बनाना है, एक ये रहा और एक इस ओर है। बिल्कुल डिज़ाइन हमारा बराबर बनकर आया है। इसके ऊपर अब हम रो नंबर 18 रॉन्ग साइड से सारे के सारे उल्टी उल्टी बनाएंगे।
तो पहले मैं रो नंबर 18 कंप्लीट कर लूँ, फिर इसके ऊपर रो नंबर 19 राइट साइड से बनानी स्टार्ट करेंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 19 कंप्लीट करने के बाद अब हम राइट साइड से रो नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। रॉन्ग साइड से 18 नंबर कंप्लीट करी है, राइट साइड से 19 नंबर स्टार्ट करेंगे। रो नंबर 19 में राइट साइड जाने वाला डिज़ाइन 4 बार बनेगा और रॉन्ग साइड जाने वाला डिज़ाइन, लेफ्ट साइड जाने वाला डिज़ाइन 1 बार बनेगा। लेफ्ट साइड जाने वाला डिज़ाइन 1 बार बनेगा, इसलिए हमारा आगे का और पीछे का एक फंदा छोड़ने के बाद हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। हमारा डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट होगा, 4 बार डिज़ाइन राइट साइड, 1, 2, 3, 4, 4 बार डिज़ाइन राइट साइड बनाने के बाद 1 बार डिज़ाइन लेफ्ट साइड। तरीका राइट और लेफ्ट का हमेशा एक जैसा है। एक बार हमने 10 फंदों का डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया, इसके ऊपर अब हम फिर से इसको रिपीट करेंगे, 4 बार डिज़ाइन राइट साइड और 1 बार डिज़ाइन लेफ्ट साइड, 1, 2, 3, 4, 4 बार हमने अपना डिज़ाइन राइट साइड का बना लिया, 1 बार डिज़ाइन लेफ्ट साइड। दो बार हमने अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया, अब तीसरी बार डिज़ाइन बनाएंगे, 4 बार डिज़ाइन राइट साइड, 1, 2, 3, 4, 4 बार राइट साइड जाने के बाद 2 फंदे, 1 बार हमको लेफ्ट साइड जाना है, 2 फंदे, 1 ये रहा, 1 इस साइड, तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल बराबर है। इसके बाद अब हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 20 कंप्लीट करेंगे, जो हमको सारी की सारी उल्टी उल्टी बनानी है। तो पहले मैं रो नंबर 20 कंप्लीट कर लूँ, तो फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 20 कंप्लीट करने के बाद अब हम फिर से रो नंबर 1 बनाएंगे। रो नंबर 1 में 5 बार डिज़ाइन हमारा लेफ्ट साइड जाएगा, सॉरी राइट साइड जाएगा। रो नंबर 1 में लेफ्ट साइड जाने वाला डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आगे का और पीछे का हम कोई फंदा नहीं रखेंगे। किनारे का एक फंदा बनाने के साथ ही हम 5 बार डिज़ाइन अपना लेफ्ट साइड बनाएंगे, राइट साइड बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। इसके बाद इसी डिज़ाइन को हम रिपीट करेंगे 5 बार फिर से राइट साइड, 1, इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपनी ये वाली रो कंप्लीट कर लें, फिर इसके ऊपर जैसे हमने पहले रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4 बनाई थी,
बिल्कुल वैसे ही बनाते हुए हम अपने डिज़ाइन को, जितना मर्जी हम अपना डिज़ाइन इस ओर ले जाएं, जितना मर्जी हम अपने डिज़ाइन को ऊपर की ओर ले जाएं, बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। आप देखिए, इस ओर से भी हमारे बिल्कुल बराबर की डिब्बी की टुकड़ी बनकर आई है, और इस ओर से भी जो हमने आधी टुकड़ी बनाई थी बिल्कुल बराबर बनकर आई है। सेंटर में भी हमारा डिज़ाइन बिल्कुल ठीक कंप्लीट बनकर आया है। देखिए, हर ओर से डिब्बी, काजू की कतरी या बर्फी के टुकड़े, डायमंड कट बिल्कुल बराबर आया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।